सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटीज, उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद फिर गांधी युग की शुरुआत करेंगे मॉडर्न स्ट्रीम, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आप यूपीएससी के सिलेबस में जाके देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में अलग से एक दिखाया हुआ है, और एमपीपीएससी में भी पूछा जाता है, निबंध के रूप में भी आता है, और कई बार निबंधात्मक प्रश्न वैसे भी पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है हमारी, और साथ साथ आपने रोहिंग्या से लेकर के अभी आसाम में समस्या को भी देखा, शरणार्थियों की समस्या को भी देखा, और किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा क्या होती है उस कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर नेटिव पीपल्स जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं स्थानीय लोग, उनकी क्या परिभाषा हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं। तो इसके इतिहास में चलते हैं, खास करके भारत के इतिहास में यदि हम देखें तो सभी लोग बाहर से आए हैं जैसा हमने बताया, लेकिन खास करके ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड में हमको एक राज्य जैसी संस्था मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, और वहीं से हमको कानून की शुरुआत के लिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उससे पहले औरंगजेब का शासन है या मुगल साम्राज्य है, इस तरह की व्यवस्था है, उसमें कोई जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी राज्य की बनती नहीं है। औरंगजेब जिस व्यक्ति को मौत की सजा देना चाहते हैं उसको दे देता, और सिख समुदाय के ढेरों गुरु जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए। आपने देखा है गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, सबको मौत दी है। तो किस बात पे कि वो उनको मानते नहीं, उनका सहयोग नहीं करते, ये आधार था। तो पुराने समय में जो राजा थे, मुगल थे, बादशाह थे, सुल्तान थे, नवाब थे, इनके सजा देने का और इनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का क्या तरीका था, अपने प्रति विद्रोह को सहन नहीं करते थे, जो भी आवाज़ उठाता उसको साफ कर देते थे, यानी लोकतांत्रिक अधिकार तो थे नहीं। अंग्रेजों के समय में भी उस तरह के अधिकार तो नहीं रहे, लेकिन पहली बार कानून व्यवस्था जैसी चीज़ पहली बार बनी, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ बनी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से फूट डालो और राज करो जैसा जो अपना डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट अपनाया, उससे ये चीज़ थी कि इंटरनल सिक्योरिटी वो भी थ्रेट मानते थे अपनी सरकार के लिए कि हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो चुनौती देगा, जैसा भगत सिंह के साथ किया गया और अन्य लोगों के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में हुआ, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बहाने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर हमें यातनाएं देते रहे। यातना घर आपने सुने हैं, जेल सुनी है, सेल्युलर जेल सुनी है, बहुत ज़्यादा यातनाएं देते थे। तो हमको जो विरासत में जो कानून मिला है और इंटरनल सिक्योरिटी मिली है वो बड़ी डिस्टर्ब है। हमको एक स्थाई प्रकार की जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और एक ऐसी आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए जो हमारे देश को मजबूत बनाती 1947 के बाद, वो हमको नहीं मिली। 15 अगस्त 1947 को जो हमको देश मिला वो ऑलरेडी डिस्टर्ब था, बहुत सारी हलचल थी उसमें, और ये हमको अंग्रेजों द्वारा दिया गया। राज्य जो टैक्स लेता है जनता के पैसे को अपने लिए यूज़ करता है, और उसके सहारे वो उस टैक्स के पैसे से लोक कल्याण के काम करता है, वो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपनी सत्ता को बनाए रखा, और उसको बनाए रखने के लिए उसने किसी भी हद तक कानून का दुरुपयोग किया। इसलिए आंतरिक सुरक्षा जो थी, इंटरनल सिक्योरिटी जो थी, हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस तरह से नहीं मिल पाई जो हमको मिलना चाहिए थी। इसका मतलब सरकारें, ब्रिटेन की जो सरकारें थी, जो भी गवर्नर वायसराय बने, उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक से बनाए नहीं रखा, बल्कि उनको डिस्टर्बेंस करके लड़ाने भिड़ाने में उनका फायदा रहा, क्योंकि अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करते तो अंग्रेजों का नुकसान होता, हम एक हो जाते, और हम लोगों के विभाजन की वजह से उनको फायदा हुआ। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जब आज़ाद हुए उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और हमने किया क्या,
तो ऐसा माना जाता है कि जो कौटिल्य हैं वो अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि चार प्रकार के नुकसान खतरे इंटरनल सिक्योरिटी को होते हैं, आंतरिक सुरक्षा, चार प्रकार के खतरे होते हैं, एक आंतरिक खतरा इंटरनल, एक बाहरी खतरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, बाहर से होता है इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक खतरा, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल एंड फोर्थ है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। यानी बाहरी खतरा जिसको आंतरिक तरीके से सहायता प्राप्त है, यानी अंदर के देश के अंदर के कुछ लोग सहायता कर रहे हैं बाहरी लोगों को कि हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करो। एक है बाहर, बाहर के लोगों को कौन सहायता कर रहा है, अंदर वाला, और एक अंदर वाले लोग हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं और बाहर वाले उनको सहायता कर रहे हैं कि आप अपने देश में अस्थिरता पैदा करो। तो समझ में आ रहा है? तो चाणक्य भी जब कौटिल्य चंद्रगुप्त के प्रयोग को करते हैं सम्राट बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा, हमने कहानी सुनाई थी, उसमें कहा था कि गणानंद के शासन को सभी तरह से इन चार प्रकारों से खतरा उत्पन्न करते हैं और आंतरिक अशांति उत्पन्न करते हैं। और आंतरिक अशांति जब आ जाती है तो फिर किसी भी देश पे कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाया जा चुका है। अब आपके इस देश में जाकर के हम लोग देखें तो जितने भी खतरे हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, जितने भी खतरे हमको दिखाई दे रहे हैं, इस देश को तोड़ने वाले जितनी भी बातें हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें नजर आएंगी। ये चार प्रकार के खतरे आज भी प्रासंगिक है, आज भी उतने ही कंटेम्परेरी। तो फिर आज़ादी के बाद कौन सी फिलॉसफी जो है वो काम कर रही थी जिसकी वजह से आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ? तो इसके लिए एक चीज आई, एक शब्द आया, इंक्लूसिव ग्रोथ। कि इंक्लूसिव ग्रोथ जितनी अच्छी से हम करते हैं, समावेशी विकास जितना अच्छा करते जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा उतना कम होता जाता है। तो लिखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके बीच में, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रेट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। रेट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि अगर हमने पिछड़ापन रखा, कमजोर रखा देश में, किसी हमारा हिस्सा कोई भी कमजोर हुआ, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पे भी जो संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें जो सबसे जो कमजोर वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास कम संसाधन होते हैं या जिस पे कम ध्यान दिया जाता है, उसको बहलाया फुसलाया जाता है और अपने उधर मिला लिया जाता है। उसके जो दुश्मन परिवार होते हैं वो उसको बोलते हैं, देख तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा, तेरे परिवार में सब लोग कितने अच्छे से रहते हैं, तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता, तेरे साथ डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है, क्यों तू उनके साथ रहता है, मैं हम बताते हैं कैसे क्या करना है तुझे। फिर वो बंटवारा की बात आती है, फिर कोर्ट में जाती है बात। इस तरह से घर को कमजोर किया जाता है, संयुक्त परिवार को कमजोर किया जाता है। इसलिए जब हम लोक कल्याणकारी बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जो हमको 1947 में मिला है, और तमाम योजनाएं मनरेगा से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं, यहाँ तक कि आरक्षण का प्रावधान भी, ये सब के सब कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहूलियतें हैं। ये सहूलियत जितनी ज़्यादा मिलेगी, जितनी फैसिलिटेशन ज़्यादा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, उतना इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कम होगा, आंतरिक सुरक्षा को नुकसान कम पहुंचेगा। अदरवाइज भड़कने वाले और भड़काने वालों को चांस ज़्यादा मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के तरह जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, सामाजिक आर्थिक विकास की बात होती है, नीति निदेशक तत्वों की बात होती है संविधान में, वो इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए होती है। आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है? सेना को बढ़ा के नहीं किया जा सकता, पुलिस को करके नहीं कर सकते, कानून बना के नहीं कर सकते,
इंक्लूसिव ग्रोथ को अच्छे से अप्लाई करने से हो सकता है। आप समावेशी विकास को बढ़ाइए, जनता तक सारी सारी सुविधाएं पहुंचाइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कीजिए, सबको बैंकिंग से जोड़िए जैसा किया गया, फिर सब लोगों की मदद के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होंगे, और जो भी कमजोर तबके हैं जिनमें भटकाव पैदा हो सकता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, अपराधियों को बराबर दंड दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, पीड़ितों को न्याय मिले, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो अपराधी है उसको तुरंत दंड दिया जाना चाहिए। जब न्याय मिलेगा, पीड़ित व्यक्ति को सहायता मिलेगी, गरीब को। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि एक बहुत तीव्र आर्थिक विकास वाली परियोजना पे काम किया, बहुत तेज आर्थिक विकास किया हमने 1947 के बाद। 1947 के बाद हर सेक्टर में हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट है, हर सेक्टर में, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे सड़क बनाने वाला, क्योंकि बहुत विशाल देश था, और इतने बड़े विशाल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, एजुकेशन का ढांचा तैयार करना और विद्युतीकरण करना और तमाम प्रकार के विकास के जितने भी काम थे वो बहुत तेज गति से हुए। इस तेज गति से विकास करते समय में हमने एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर लिया, कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर लिया जो बहुत पैसे वाले बन गए, और उनका विकास बहुत दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत तेज गति से हुआ, और करोड़पति और लखपति लोग ज्यादा हो गए, मिलियनेयर बिलियनेयर जिनको हम कहते हैं, वो लोगों की संख्या बढ़ गई, और दूसरी तरफ गरीबी रही और अवसरों की कमी रही, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसे बेरोजगारी कह सकते। तो एक ऐसा समाज तैयार हुआ जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाई नहीं देते, एक्सक्लूसिव ग्रोथ दिखाई देती। ग्रोथ कैसी रही? एक्सक्लूसिव। हमारी ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं थी, वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ जो थी उससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा, यानी टेक्नोलॉजिकल लाभ किसको मिला सबसे ज्यादा? सबको मिला, लेकिन उनको ज्यादा मिला जो पहले से आगे बढ़ गए थे। अभी भी आप जिन संसाधनों की बात करते हैं, चलो आदिवासी आदमी ने फोन पकड़ रखा है, लेकिन क्या वो 4G है? क्या वो स्मार्ट बैंकिंग कर पा रहा है? क्या वो अपने फोन से टीवी को कनेक्ट कर पा रहा है? क्या उसके पास स्मार्ट टीवी है? आपके 99% जो फंक्शंस हैं वो उसके लिए यूजलेस है, या वो उनके काम का नहीं है, या वो उसके काम के नहीं है। एक डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा जो तैयार हुआ था, दस स्मार्टफोन का भी सबसे बढ़िया उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो कंप्यूटर जानता है, जिसको लगभग लगभग सॉफ्टवेयर का अंदाज है, इंस्टॉलेशन करना आता है उसको, और उसके जो डिफरेंट जो ई कॉमर्स है या ई ट्रेडिंग है या ई बिजनेस है, ई गवर्नेंस है, उन सबसे वो जुड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन जो फोन यूज करते हैं और उनका ईमेल आईडी नहीं है, और विदाउट ईमेल आईडी के आप फोन का कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो हम जो बोलते हैं कि हमने प्रोग्रेस दी है और प्रोग्रेस के तहत कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, तो एक कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन तो हुआ है, ये बात तो है कि बात सब लोग आपस में कर पा रहे हैं, उनको लैंडलाइन फोन की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो बात तो बनी है। लेकिन जिस तरह के फाइल ट्रांसफर से लेकर के, डेटा ट्रांसफर से लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं हम लोग कर पाते हैं या पढ़े लिखे वर्ग कर पाते हैं, उतना वो व्यक्ति नहीं कर सकता, और उसके सीखने की गुंजाइश भी कितनी है कि वो 2 साल में सीख जाएगा या 5 साल में या 10 साल में। कुछ लोगों के तो कोई चांस ही नहीं है कि वो कभी सीख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो बेसिक एजुकेशन चाहिए वो उसके पास नहीं है। बात समझ में आई ना? तो क्या हम लोगों को ऐसा विकास नहीं करना था? नहीं करना था। अब आप कहेंगे ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे प्रॉब्लम बनेगा? यही चीज बनेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ करना पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं एक साथ सारे लोगों के पास पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी।
नहीं तो एक वर्ग लाभान्वित होकर के और आगे बढ़ जाएगा और फिर वो एक्सप्लॉइट करेगा दूसरों, क्योंकि वो जागरूक हो गया और उसको पता चल गया, मतलब शोषण के तरीके बदल जाएंगे। अब डिजिटली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए साइबर क्राइम बढ़ेंगे और कई लोग साइबर क्राइम में न्याय भी नहीं मांग पाएंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके साथ क्राइम हुआ है। और एक साथ बल्क में अगर डेटा किसी के पास है, या जैसे आधार नंबर सभी का किसी के पास पहुंच गया है, तो वो कैसे मिसयूज कर सकता है इतने बड़े डेटा का और कैसे मैनेज कर सकता है वो। फिर एक कुल मिलाकर हार्म पहुंचाने के लिए पहले एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की बात थी, फिर एक ग्रुप तक या गांव तक पहुंच करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब एक ही जगह पर बैठ करके डेटा का मिसयूज करके एक साथ पूरे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, थ्रेट भी बढ़ गया। तो आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा जो है अभी आप देखते हैं सोशल मीडिया, उससे आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए कभी भी दंगा हो सकता है, मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं हैं उनमें आप लोग सोशल मीडिया का रोल देख रहे हैं। यानी जो टूल शांति का कारण बनना था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कारण बनता था, तो हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं खास करके पुलिस, उसमें बहुत सारे लोग डिजिटली इलिटरेट हैं, कंप्यूटर जानते नहीं हैं, और वो लोग इसके दांव पे समझ ही नहीं पाते, वो अभी भी लाठी लेके घूमता है पुलिस वाला, और मोबाइल चलाना उसको अभी भी नहीं आता, वो उस क्राइम को कैसे पकड़ेगा और उसके माध्यम से क्राइम होने लगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जो एक खतरे हैं, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये रही इंक्लूसिव ग्रोथ की कमी। आ गया समझ में आपको? तो आपको स्वतंत्र भारत में आंतरिक सुरक्षा, स्वतंत्र भारत में आंतरिक सुरक्षा, इसके लिए सरकार के प्रयास हैं, बहुत अलग अलग स्तर के प्रयास हुए हैं, और लेकिन दो तरह की कमी है सबसे ज्यादा। एक, जनता का इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति जागरूक होना और इंटरनल सिक्योरिटी को समझना या उसके महत्व को समझना, एक इसकी कमी है। और एक सबसे बड़ी कमी है स्मार्ट लीडरशिप की। अब लीडरशिप दो तरह की है हमारे यहाँ, एक ब्यूरोक्रेसी है और एक इलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड है। जो इलेक्टेड वाला है उसमें तो बिल्कुल भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण वो तो समझ नहीं पाया इंटरनल सिक्योरिटी को। और दूसरा जो वर्ग है ब्यूरोक्रेसी, वो रेड टेपिज्म में उलझ गया, वो लाल फीताशाही में उलझ गया, वो फाइलों के चक्कर में रह गए। और एक फैक्टर था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस भी और सेना भी, या BSF या दूसरी चीजें, इसमें सबसे ज्यादा यह था कि हर जगह इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री हो, लोकल पुलिस हो, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज और ब्लैक कैट और दूसरी चीजें। ऐसा करके 4 या 5 एजेंसी हमेशा काम करती है। और कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों ने स्टेट लिस्ट में पुलिस को रखा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन करने का काम किसके हाथ में दिया हुआ है? स्टेट। और सेंटर के हाथ में जो है हमने बॉर्डर्स को और उसको दिया हुआ है। लेकिन स्टेट में जब भी अनस्टेबिलिटी आती है या थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम आती है, तो हम सेंटर को फॉरवर्ड कर देते। इसलिए छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को कौन देखेगा? सेंटर, CRPF देखेगा। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को कौन संभालेगा? स्टेट पुलिस नहीं संभालेगी, आर्मी संभालेगी, सेंटर संभालेगा। नॉर्थ ईस्ट में कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। तो फिर उसको कंकरेंट लिस्ट में करो, जैसे नरीमन कमीशन ने कहा कि पुलिस को आप कंकरेंट लिस्ट में करिए। कंकरेंट लिस्ट में करेंगे तो दोनों लोग उसमें वो कर सकेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? कौन से स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है? क्योंकि आप 356 यूज करना चाहते हैं, फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे ही तो आप 356 लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे,
और कंकरेंट लिस्ट में यदि ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी होगी तो दोनों का फेल्योर है, फिर आप कैसे लगा पाएंगे, सुपर इम्पोज कैसे कर पाएंगे, तो बहुत सारे मसले हैं उसके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट एजेंसीज, अलग अलग संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ये सबसे बड़ी समस्या रही। और इसी के ऊपर देश को काम करना है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाएगा डिफरेंट संस्थाओं में। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस स्किल्ड हैं क्या, वेल इक्विप्ड हैं क्या, उनके पास सारे वो इक्विपमेंट हैं क्या जो इसराइल के सैनिकों के पास होते हैं, या जो और ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छे से इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। फिलिस्तीन वाले मसले पे इसराइल का एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या पोरस बॉर्डर है या जिस तरह की प्रॉब्लम है, वो बॉर्डर सिचुएशन फिलिस्तीन और इसराइल के साथ भी, क्योंकि इसराइल के दोनों तरफ कौन लगता है, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ऊपर गोलान हाइट्स हैं, फिर लेबनान के साथ आता है, कई सारे देश हैं जहाँ पर बॉर्डर्स में इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमारे साथ भी होता है। अब क्या है कि एथिक्स की कमी तो हर जगह है इंडिया में, और ख़ास करके सेना में। हम यूं मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, अच्छी बात है कि हम शहीद की बात करें, उनको 1 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री ने बोला वो दिए जाने चाहिए, वो भी एक अलग चीज़ है। जब आप एक किसान को मरने पे दे सकते हैं तो शहीद को भी मरने पे दे सकते हैं, और मरने के ऊपर भी जो राजनीति होती है, शहीद होने पे भी जो राजनीति होती है, वो भी आप जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो सिचुएशन आती है वो आती है कि करप्शन बहुत है आर्मी में, बॉर्डर पे बहुत करप्शन है। ये जितना भी 40 लाख लोग बताया जा रहा है बाहर का, उसमें से बहुत सारे तो अभी हो जाएंगे लीगल, लेकिन जो अवैध नागरिकों का जो प्रवेश है वो हुआ क्यों, ये रिश्वत किसने ली है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वहाँ की लोकल पुलिस हो, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो अपनी जगह है, वो सिस्टम का फेल्योर है। लेकिन करप्शन बहुत है, लोगों को पैसे लेकर के पास कराया जाता है, बॉर्डर क्रॉस कराई जाती है, अंदर ले लिया जाता है, अब वो आपके नागरिक हो गए, यहाँ आए कैसे, कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई एजेंसी तो वहाँ काम कर रही है, तो फिर ये आए कैसे, पैसे दे के आए, हमारे हथियार काम क्यों नहीं करते, खरीदी में कितना नुकसान होता है। आप जितनी महंगी सिटीज़ में जाएंगे, पूना, चंडीगढ़, ये टॉप 10 सिटीज़ निकाल लीजिए सबसे महंगी, और उनकी सबसे महंगी कॉलोनी चुन लीजिए, वहाँ पर आपको आर्मी ऑफिशियल्स, एयरफोर्स वालों के मकान मिलेंगे, नेवी वालों के मकान मिलेंगे। इतनी महंगी जगहों पर इतने महंगे मकान उन्होंने हासिल कैसे किए, करप्शन। और चूंकि आरटीआई में नहीं आता और कैंपस क्लोज्ड होता है, पत्रकार वहां पहुंचते नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा करप्शन का लेवल है, सबसे ज्यादा करप्शन का लेवल है इंडिया में। और एक तरफ देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए सुरक्षा पे उंगली उठाने जैसी बात आती है कि हम देश की सुरक्षा पे, शहीदों पे, या जो त्याग कर रहे हैं और जो मरने के लिए तैयार हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन, और उसको हटाने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी तक प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभी हम तक सरकारी तौर पे, ये मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उस पर शंका ही पैदा नहीं की गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी है, जबकि वो सबसे बड़ी गड़बड़ वही है। इसलिए आप जितने भी एफर्ट लगा लो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर गड़बड़ है। इसलिए जब कभी भी एक छुटपुट एक आदमी कोई भी आवाज उठाता है तो आप देखते हैं कि उसकी हालत खराब कर दी जाती है। उसका कोई और इशू भी हो सकता है कि उसको खुद को छुट्टी नहीं मिली हो, परेशान किया गया हो, इसलिए वो खुन्नस में आवाज उठा रहा हो सकता है, वो भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि ये लोग इतने करोड़पति, आप सर्वे कर लीजिए,
कितनी महंगी जगहों पर सबसे महंगे बंगले कैसे बनते हैं, और ये या तो जज लोगों के होंगे, जुडिशरी के होंगे, या फिर आर्मी वालों के होंगे, क्योंकि दोनों पे पकड़ कम है, दोनों पे कंट्रोल कम है, दोनों पे एजेंसीज पहुंचती नहीं है, और दोनों को बहुत छूट मिली हुई है, और छूट रखना भी पड़ती है क्योंकि वहां हस्तक्षेप करेंगे तो सुरक्षा से समझौता होगा, इसलिए रखना पड़ती है। तो उस छूट का जो है बहुत गलत फायदा भी उठाया जाता है, और बहुत खास करके जो प्रोक्योरमेंट है, खरीदी है, उसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। अगर वाकई में युद्ध छिड़ता है तब जा करके, जैसे मान लिया जाए कोई गोला बारूद 5 साल के लिए एक्सपायरी है, 5 साल में युद्ध नहीं हुआ तो पता ही नहीं चलेगा कि खरीदा भी गया है नहीं खरीदा गया, ये पहले से एक्सपायरी वाला था वही वाला स्टॉक में फिर से दिखाएगा। ये तो आप डिफेंस स्टेट सर्विसेज में जाएंगे, IDES करके आता है, एक आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर की सर्विस है, AFHQ होता है, UPSC से जाते हैं, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो जॉब में हैं, वो बताते हैं कि सर वाकई में युद्ध छिड़ जाए तो गोला बारूद चलेगा ही नहीं, इतनी बुरी हालत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन है उसमें, ऑडिट भी ठीक से नहीं होता, डिफेंस ऑडिट बहुत गंदा है, वो करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा, इन लोगों के आतंकवादियों के आईडी कैसे बन जाते हैं, डेफिनेटली पैसे लेके कोई आईडी बनाता होगा, हमारा RTO, उसका राशन कार्ड कैसे बन जाता है, उसका आधार कार्ड कैसे बन जाएगा, बन जाता है ना पैसे लेके, तो हम किसी का आईडी बना देते हैं पैसे लेके, इसका मतलब आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत फैक्टर हैं। हमारी एग्रेसिव रणनीति नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी कैसी है, बहुत स्लो है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पे काम करते हैं, आक्रामक रणनीति हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के नहीं है। हम फंडिंग के ऊपर, इन लोगों की फंडिंग को नहीं रोक पाते, इन लोगों को फंडिंग कैसे होती है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे हैं, जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ऐसे लोग हैं, इन लोगों की फंडिंग कहाँ से होती है, और इतनी आसानी से कैसे हो जाती है कि आतंकवादी और नक्सलवादी बैंक में खाता खुला लेता है, और बैंक के माध्यम से ATM से उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो पे करता है, वो ऑनलाइन खरीदारी कर लेता है, इसका मतलब है कि बहुत लूप होल्स हैं किस बात में, फंडिंग को पकड़ पाने में, जबकि स्मार्ट व्यवस्था है, आसानी से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से बैंक खाते खुलाए जा सकते हैं। बैंक वाले कितने करप्ट होते हैं आपने डिमोनेटाइजेशन के समय में देखा, उससे पहले बैंक वालों को कभी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं देखा था, लेकिन रात को बैंक खोलना, नोट बदलना, ये काम एक बैंक नहीं कर रहा था, देश के हजारों बैंक कर रहे थे। इसका मतलब देश में किसी भी एजेंसी को छूट जब जब मिलेगी, जब जब मौका मिलेगा, वो करप्शन करेगा, क्योंकि इस देश के खून में है करप्शन, लोगों के खून में है, और हम सबके अंदर एक्सेप्टेंस है करप्ट लोगों के प्रति। करप्शन कानून बनने से बंद नहीं होता, करप्शन हमारे एक्सेप्टेंस को खत्म करने से होगा। हम जब रिजेक्ट करना लोगों को शुरू करेंगे, तुम करप्ट हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और कोई रिश्तेदार है तो उससे कहेंगे तुम्हारे से रिश्ता नहीं रखेंगे क्योंकि तुम करप्ट हो, ठीक आदमी नहीं हो। कई लोग कहेंगे ऐसे कैसे कौन रिश्ता तोड़ता है, कोई करप्ट है तो क्या हुआ। कई बार हम गर्व करते हैं उनके पास बहुत पैसा है, बहुत माल बनाया, तनख्वाह तो नहीं है इतनी लेकिन ऊपर का बहुत, और वो हमारे करीबी है, हमको जानते हैं, हम नाचने लगते हैं, वो हमको जानते हैं। ये जो गर्व हमको होता है ना, इसी वजह से करप्शन है। इसलिए कानून बनाने से, लोकायोग से, लोकपाल से, इनसे नहीं होगा, EOW से, इनसे नहीं होना है, ये करप्शन बंद नहीं कर सकते। हमारा एक्सेप्टेंस खत्म होना चाहिए। इसके लिए कोटेशन लिखो, परम पूज्य गुरुदेव का एक कोटेशन है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, यानी मनुष्य का जो इवोल्यूशन है वो हम इस बेस पे करेंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, उसकी सक्सेस को नहीं मानेंगे, उसकी सफलताओं, योग्यताओं, क्वालिफिकेशन,
ओम विभूतियों यानी अचीवमेंट्स एवं विभूतियों को नहीं बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को माने। राइट वर्क, राइट पाथ, राइट थॉट, यानी उसके सद्विचार सत्कर्म कैसे हैं, इस आधार पर उसका एवल्यूशन करेंगे। उसकी योग्यताओं को नहीं देखेंगे, सफलताओं को नहीं देखेंगे, अचीवमेंट्स को नहीं देखेंगे। हम लोग किन से करते हैं कि वो सफल कितना है, वो योग्य कितना है, उसके बाद विभूतियां कितनी यानी अचीवमेंट्स कितने हैं, उस बेस पे हम उसको मानते हैं। दरअसल मनुष्य के मूल्यांकन का काम करना है, अगर आपको उसका एवोल्यूशन करना है तो इस बेस पे करो कि उसके पास सद्विचार कितने हैं और सत्कर्म कितने हैं, अच्छे काम कितने हैं और अच्छे विचार कितने हैं, इस बेस पे हम मनुष्य का मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद उसको सपोर्ट करना है या उसका विरोध करना है ये बाद में करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं या हमारे परिवार वाले क्या करते हैं या समाज और रिश्तेदार वाले क्या करते हैं आप जानते हैं। अगर बहुत करप्ट आदमी है और करोड़पति है और अपने बच्चे की शादी करता है और 5,000 लोगों को बुलाता है लेकिन अगर 50 लोग भी ना पहुंचे हैं तो उसको सोचना पड़ेगा कि समाज को हो क्या गया। उसका बच्चा बोलेगा पिताजी आपने किया क्या जिंदगी में, ये कितने लोग आए थे 50, आप कह रहे थे 5,000 आएंगे, कुछ तो बात है। तो फिर उसको झांकना पड़ेगा, पर उल्टा होता है, ज्यादा लोग जाते हैं और नया यूथ जो है उससे इंप्रेस होता है। कई लोग बोलते हैं अंकल जो है ना ये उसमें थे, नारकोटिक्स में थे, उसमें बहुत पैसा है, फलाने जॉब में थे उसमें बहुत पैसा है, फिर वो उसी की तैयारी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसी को मान्यता मिलती है। ये सेना से रिटायर हैं, ये जज थे, ये खुद ही लोकायुक्त थे, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है लोकायुक्त, क्योंकि उसके पास सबके भ्रष्टाचार की सूची है, वो सबको फ़ोन लगाता है, वो सब पता है कौन भ्रष्ट है, सबसे पहली वसूली लोकायुक्त करता है। वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई ना संस्था, वो करता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है उसमें, वो सेटिंग नहीं होती फिर बाद में वो छापा डाल देता है। ठीक है, आपको लगता है कि वहां रेड तो हुई थी, पकड़ा था लोकायुक्त ने, क्यों पकड़ा था, बात बनी नहीं, अमाउंट जो बोला गया था वो मिला नहीं उसको, उनके फंड की जांच कैसे होगी, ये चीज इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा था। और अब आप कह रहे हैं इन सब लोगों को निकालो जो 20 साल से 50 साल से रह रहे हैं, निकालो इनको कैसे, इनका तो कोई डेटा नहीं मिल रहा, भाई पे करके आए हो, पे करके आए हो, पूरा पेमेंट दिया गया है उसका और वो आपके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो चल रहा है पेमेंट, या तो किसी के दहेज में लगा होगा या उसके बेटे की नौकरी में रिश्वत के तौर पर दिया गया होगा। व्यापम में कितने स्वीकार्यता है, बड़ा अजीब चीज है कि 3,000 लोग जिनने रिश्वत दिया वो सब जेल में है और वो 3,000 लोगों ने जिन लोगों को रिश्वत दी वो सब बाहर है, वो सब नेता है ना, अजीब चीज। अगर मान लीजिए घोटाला नहीं हुआ तो उन 3,000 लोगों को भी निकालो, वो एक बच्चा आता है मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बताया कि सर मैं एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं, मैंने पैसे दिए थे व्यापम में, मैं जेल से रह के आया हूँ पर मैं पीएससी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ग्रेजुएशन तो कर लिया पर वो 12वीं के समय में हुआ था घोटाला, अब ग्रेजुएशन भी हो गया उसका, समय बहुत हो गया, पर मैं पीएससी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। अब पैसे दिए तो कोई फेंक के तो नहीं आया होगा नाले में, यानी किसी न किसी व्यक्ति को तो दिए होंगे, तो पुलिस ने उन लोगों को तो पकड़ लिया 3,000 लोगों को, वो जेल में भी बंद है, कुछ लोग छूट भी गए लेकिन वो एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो जेल जा चुके हैं एक बार और उनके केस का अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनली उनको अभी जेल भी हो सकती है, अभी छूटे नहीं है, अभी जमानत पे हैं।
और 3000 के आसपास अंदर हैं भी सही, और एक लड़का तो वो है जो 11th क्लास का था और अपने बड़े भाई की रिश्वत देने गया था, बड़े भाई का एडमिशन करने गया था। इतनी खुली दुकान थी यहाँ पे कि कोई बच्चा अपने बड़े भाई का भी एडमिशन करवा सकता था पैसे दे के। यानी उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बहुत छोटा बच्चा इसे रिश्वत कैसे ले, उसने ही बुकिंग करा दी और उसको जेल हुई है। और किसी के पुलिस ने यहाँ तक किया कि अगर किसी बड़े भाई ने अगर रिश्वत ली है वो दी है तो छोटे को उठा ले गए, बोले इसको ले जाना उसको दे जाना, ये पुलिस की कार्रवाई थी। यानी कितनी सख्ती थी, तो आप उठा लेते किसी गृह मंत्री को या किसी को मंत्री को, बोलते हो मुख्यमंत्री अंदर आ जाए तो फिर उसको छोड़ देंगे, ऐसा उसके साथ कर लेते। वो नहीं किया, बहुत ज्यादा स्वीकार्यता है करप्शन के प्रति, हमारे मुख्य धारा के समाज में स्वीकार्यता है और हम सब उसको स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी का रोना हम लोग नहीं रो सकते। मुझे लगता है सबसे बड़ा शत्रु है करप्शन। जागरूकता की कमी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है करप्शन। इसलिए भारत में गरीब लोग नहीं है, गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो बहुत अमीर हैं और उनका जो टैक्स है वो दिया, या तो कोई व्यक्ति दे ही नहीं रहा टैक्स, और दे रहा है तो बहुत कम दे रहा है। तो संरचनात्मक कमी है, दो तरह की कमियां हैं, एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो लेक है हमारा और दूसरा फंक्शनल लेक। तो फंक्शनल लेक में सबसे बड़ा लेक जो है वो करप्शन, सबसे बड़ी कमी। और स्ट्रक्चरल लेक में हमारा कंकरेंट लिस्ट में नहीं होना, केंद्र का उतना बड़ा दखल नहीं होना। केंद्र को हमने मजबूत बनाया, हमारी व्यवस्था में हमने केंद्र को बहुत मजबूत बना रखा है। तो आंतरिक सुरक्षा के ऊपर मैं जो विश्लेषण दे रहा हूँ आपको, पूरा थोड़ा अलग प्रकार का विश्लेषण है, और इसको जब आप लिखने जाएंगे तो इस पर बहुत डायमेंशन बनेंगे, कई सारे डायमेंशन बनेंगे। आप कहेंगे नहीं हम कानून बना करके करेंगे, नहीं कानून से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चेंज करके होगा। कानून पर्याप्त है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई कानून की कमी नहीं है, कानून पर्याप्त है। टाडा है, पोटा है, मकोका है, गुजकोका है और रासुका है, हमारे पास सबसे बढ़िया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि शुरू करता है जिससे देश टूटने का खतरा है या देश को नुकसान पहुंच सकता है तो हम उस पर रासुका लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो जो आज़ादी के समय में जो हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो देन थी वो एक ऐसा भारत था जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी नगण्य थी, नेग्लिजिबल थी। और 1947 में भारत पाक का जो बंटवारा हुआ तो शुरू के जो 6 महीने थे आज़ाद भारत के, आपने देखे कितने खून खराबे वाले थे, 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, जिनोसाइड था वो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे में, इतने लोग एक साथ कभी नहीं मारे गए विश्व में कहीं नहीं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा फेल्योर है कि दो देश जब बट रहे थे तो एक दूसरे को मार काट के जा रहे थे, जितनी हत्याएं एक दूसरे देश में कर सकते थे लोगों ने की, और उसके बाद जो है दो देश बने, इंटरनली वो भी अनस्टेबल है पड़ोसी भी। आज ही वाजपेयी जी का एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, अभी दे रहे थे टीवी पे। इसलिए पड़ोसियों के साथ जो संबंध होने चाहिए वो दूसरे संबंध होने चाहिए, इसलिए वो लाहौर बस यात्रा लेके गए थे, हालांकि वो रणनीति कामयाब नहीं हुई, आगरा शिखर यात्रा वार्ता भी कामयाब नहीं हुई थी, मुशर्रफ आए थे, कारगिल हुआ था उसके बाद, धोखे के रूप में हुआ था। तो जब जब भी भारत ने पंचशील को लागू करने की कोशिश की हो या इस प्रकार का बात की हो, हमको धोखा मिला। तो ये बात तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में चली जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, अभी बात उसी की करेंगे। दूसरा, अब आप डिफरेंट टाइप के रोल की बात कर सकेंगे, डिफरेंट टाइप के रोल में, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनल सिक्योरिटी,
है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्या रोल हो सकते हैं, कैसे एजुकेशन में चेंज ला करके या खास करके हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को, जब JNU में जब हम बात करते हैं कि वहाँ भारत को तोड़ने वाले नारे लगे थे, यदि वाकई में लगे थे तो फिर उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं चलाया गया, उनको रियल जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब काम किया, और अगर ये डबिंग थी और फालतू बात थी तो फिर उन लोगों को परेशान क्यों किया गया, ये भी है। जबरदस्ती किसी को राजनीति चमकाने का मौका दे रहे हैं, क्या मतलब है। दूसरा, वामपंथ पे भी विचार करना पड़ेगा कि वामपंथ भी जो एक्सट्रीमिज्म में जब जाता है, अतिवाद करता है, चाहे वो केरला, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई और केरला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, तो वहाँ के 4 जिलों को इन्होंने उसमें डाल दिया, उस लिस्ट में, किस लिस्ट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले में। LWE डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, LWE डिस्ट्रिक्ट्स आप सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट। मध्य प्रदेश में जो हिट लिस्ट निकाली है उसमें मध्य प्रदेश के मंडला को डाला है अभी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और छत्तीसगढ़ के काफ़ी जिले हैं, 5 जिले हैं, वहाँ पर एक बस्तरिया बटालियन बनाई है, बस्तर में एक नया प्रयोग है, मुझे लगता है वो सलवा जुडूम का ही एक्सटेंशन है, जो पहले एक सलवा जुडूम करके एक अभियान चलाया गया था छत्तीसगढ़ में, जिसमें आम जनता को हथियार दिए गए थे नक्सलियों के खिलाफ। आम जनता को कहा गया था कि आप नक्सली, आपको जहाँ कहीं दिखे आप उसको गोली मार दीजिए, ये हथियार हम सरकारी है लेकिन आपको दे रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे हैं, और इसको आप किसी नक्सली को मार गिराने में उपयोग कर सकते हैं। यानी सेना अपनी जगह रहेगी, CRPF अपनी जगह रहेगी या लोकल पुलिस अपनी जगह रहेगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके गांव में कब नक्सली आता है हमको पता नहीं चलता, तो आप ही मार दीजिए उसको। हमने आम आदमी को आम आदमी के खिलाफ खड़ा कर दिया था, क्योंकि नक्सली था वो भी आम आदमी था, वो भी उन्हीं के बीच का था, उसकी आलोचना हुई और उसी के प्रत्युत्तर में वो 38 कांग्रेसी नेता और वो सब मारे गए, क्योंकि ये कांग्रेस का प्लान था। अब इस गवर्नमेंट ने एक और अभी बनाई है 2 महीने पहले, बस्तरिया बटालियन, उस बस्तरिया बटालियन में लोकल लोगों को, 4 5 जिले हैं वो, नारायणपुर और वो बस्तर, उन जिलों, दंतेवाड़ा, उन जिलों को लेकर के वहाँ के लोगों को, 241 शायद बटालियन का नाम है, तो उन लोगों को लेकर के वो बटालियन बनाई है और वो काम करेगी नक्सलियों से लोहा लेने का, लोकल लोगों की बटालियन। क्योंकि पहले सलवा जुडूम में आपने आम नागरिकों को बनाया था, उनको वेतन नहीं था, शायद इनाम कुछ मिलता होगा, लेकिन उनको हथियार चलाना था किसके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ। अब वो उसकी जब आलोचना हुई तो उसको क्या बना दिया आप, बस्तरिया बटालियन। ये एक प्रयास है, तो ऐसे कुछ प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी सैटेलाइट इमेजिंग, नाइट विजन कैमरा, ये सब चीज़ों की कमी है। हमने बॉर्डर पे उधर तो दिया हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों को ये सब चीज़ें लगेगी। दूसरा, 3 लेवल पे एक उनका जो एक फिनेंस को रोकना पड़ेगा, एक उनको आर्म्स और एम्यूनेशन जो सप्लाई करता है उसको रोकना पड़ेगा, और तीसरा जो है उनके अंदर भोजन जो सप्लाई होता है, उनकी जो फूड सप्लाई है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना घना जंगल है उसमें फूड सप्लाई को ब्रेक किया जा सकता है, आर्म्स एम्यूनेशन की सप्लाई को ब्रेक किया जा सकता है, और उनकी फंडिंग को रोका जा सकता है। तो जब कभी आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, खास करके नक्सलिज्म को कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए जब उपाय लिखने होंगे तो आप ये उपाय लिख सकते हैं। इसके लिए जो कंसेप्ट चलाया गया वो समाधान, गूगल में सर्च करिएगा समाधान, SAMADHAN, तो समाधान का एक एक का आपको वो मिलेगा। एस का, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एक्सेस करके ऐसा कुछ है, और एम फॉर ऐसे, तो समाधान का पूरा जो एब्रीवेशन जब आप उसका देखेंगे एब्रीवेट करके, तो एक एक लेटर का आपको पूरा डिटेल जो है उसमें प्लान मिलेगा, वो गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, और वो रोकने के उपाय में आप लोग डाल सकते हैं। दूसरा, इनफिल्ट्रेशन को कैसे रोकेंगे,
खास करके आप लोगों ने पूंछ सेक्टर, राजौरी सेक्टर की बात सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर में आज नौशेरा सेक्टर में ये हो गया, आज फलानी जगह ये हो गया, आज इस आर्मी कैंप में लोग आ गए। ये जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और जो कैंप है, ट्रेनिंग कैंप हमेशा बॉर्डर पे मिलेंगे आपको। POK में आप जाएंगे तो भारत की जो सीमा है, हमारी जो नियंत्रण रेखा है, LOC है, उस LOC के जस्ट नज़दीक 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ट्रेनिंग है। तभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और ट्रेनिंग कैंप जो है उड़ाए थे, है ना। तो वो जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो सारे के सारे इतने नज़दीक क्यों हैं? और दूसरी चीज, इस तरह के जो भारत के अंदर जो लोग हैं, क्या वो उनको सपोर्ट करते हैं या आर्मी के कुछ लोग हमारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं? आखिर कैसे घुसाते हैं वो? इंसर्जेंसी होती कैसे, घुसपैठ हो कैसे जाती है? बांग्लादेश की घुसपैठ और वो एक अलग, सिविलियंस के लेवल की घुसपैठ एक अलग घुसपैठ है। काम के, रोजगार की तलाश में यहाँ आ जाना और यहाँ बस जाना, वो एक अलग प्रकार की समस्या। लेकिन जो पाकिस्तान की बॉर्डर से जो लोग आते हैं वो कौन होते हैं? वो आतंकवादी होते हैं और उनको आर्मी, वहाँ की जो आर्मी है वो मदद करती है, फैसिलिटेट करती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं ऐसे समय में? हम क्यों नहीं रोक पाते उस चीज़ को? उस पर सरकार को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और सेक्टर फिक्स है, अगर आप बॉर्डर को चिन्हित करना चाहें तो आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको ऐसे मैप मिल जाएंगे कि किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। वो अलग डॉटेड लाइन में मैप, कई तरह के मैप हैं, वो आपको बताएंगे, नहीं तो हम आपको उसमें डाल देंगे ग्रुप में। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, उसमें डाल देंगे वो मैप, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पोरस बॉर्डर कैसे हो जाती है, तो एक वो प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, अब मैं आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है चाइना। खास करके चाइना दो तरह से काम कर रहा है, एक उसकी तरफ से वो सकारात्मक काम कर रहा है चाइना की तरफ से, लेकिन वो हमारे लिए नकारात्मक साबित हो रहा है। चाइना दो सेक्टर को कब्जा किए हुए है और मदद कर रहा है, नेपाल और तिब्बत, तीसरा अरुणाचल है, वहाँ क्या दूसरा है। वहाँ हम लोग आक्रामक रणनीति पे नहीं है, डिफेंसिव वाले में, और एक है भूटान जो डोकलाम हुआ था। डोकलाम के समय मैंने आपको चर्चा की थी और डोकलाम का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि कैसे वहाँ पर सड़क, एक पूरी क्लास हुई थी डोकलाम पे। तो अब पुराना आप वीडियो अगर शायद होगा तो उस पर देखेंगे आप, उसमें मिलेगा कि कैसे जो है वो सड़क निर्माण हो रहा है। और सड़क निर्माण से होता क्या है, कई बार तो चाइना का एकमात्र तरीका है आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करने का कि पड़ोसी देशों में इस प्रकार का माहौल बना दो कि भारत के साथ संपर्क कम रखे। एक तो भारत से ट्रेड कम हो और उसके यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हो वो चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो हमारे यहाँ का जो रेड टेपिज्म है या हमारे यहाँ नेताओं की जो इच्छा शक्ति की कमी है या प्रधानमंत्री मोदी की वो गलती जो भूकंप के तत्काल बाद में हुई थी, भूकंप के तत्काल बाद उन्होंने थोड़ा सा बहुत ओछापन दिखाया था रणनीति में नेपाल के प्रति, तो वहाँ के मीडिया ने भी बहुत गालियाँ दी और नेपाल भी बिदक गया, वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर गया। और हम लोगों को जो निर्माण करना चाहिए थे और जो हमने गारंटी ली थी कि हम ये चीज़ बना लेंगे, हम ये कर देंगे आपका, वो हमसे पहले चाइना ने जाके बना दिया। हमारा प्रोजेक्ट 5 साल का था, 2 साल का था, उन्होंने कुछ सालों में बना दिया। ब्रॉडबैंड की बैंडविड्थ का मतलब है, ब्रॉडबैंड देने से मतलब है कनेक्टिविटी, जो उन्होंने हमसे फास्ट कनेक्टिविटी, 100 गुना कनेक्टिविटी हमसे ज़्यादा तेज गति से दी नेपाल को। निर्माण कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट किया, वहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया। अब वो चाहे उसके पीछे लंबा स्वार्थ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, बहुत लंबे समय तक वो उससे लाभ कमाना चाहता है, ये एक नया आर्थिक उपनिवेश का तरीका है। राजनीतिक उपनिवेश बनाने में चाइना को कतई विश्वास नहीं है, लेकिन वो जो एक आर्थिक उपनिवेश बनाने की जो बात करता है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद करता है। तो नेपाल को लगभग लगभग उसने खींच लिया है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में बैंकिंग, इसलिए वहाँ के जो अधिकांश बैंक हैं वो चाइना के बैंक हैं और अब बॉर्डर पे भी हैं। भूटान की भी यही लगभग स्थिति है, उसकी 5 बड़ी परियोजनाएं हैं जो $1 बिलियन में हैं,
कुछ तो 2014 में काम करने लगी हैं, कुछ 2010 में काम करने लगी थी। अब एक 2022 और 2020 तक तीन परियोजनाएं और हैं बड़ी। तिब्बत के दो भाग हैं, एक भाग दलाई लामा, एक पंचेन लामा के प्रभाव में रहता है। दलाई लामा को मान्यता नहीं देता चाइना, दूसरे लामा को देता है जो चाइना के इन्फ्लुएंस में। तो तिब्बत का एक हिस्सा ऐसा है जो दलाई लामा को उतना नहीं मानता। उस हिस्से में पूरी तरह से रोड बना लिया गया है तिब्बत के लासा तक, और तिब्बत में जब रोड बन गया है तो बाकी भूटान में और नेपाल तक पहुंचना, एवरेस्ट तक पहुंचना और काठमांडू, और नेपाल चाहता है कि वो काठमांडू तक रोड आए, ये नेपाल चाहता है। और ओआरओ भी वो वाला जो वन बेल्ट वो भी वो जो है वन बेल्ट वन रोड वाला जो स्कीम है उसमें चाइना ने भी चाइना का ये जो स्कीम है इसको ज्वाइन किया है, नेपाल ने भी और तिब्बत तो है ही भूटान ने। भारत ने उस पर साइन नहीं किया है, लेकिन हम लोग अलग थलग हैं उस पर। बहुत माना जा रहा है कि फ्यूचर में कहीं मोदी की बहुत बड़ी भूल तो नहीं होगी वो उस प्रोजेक्ट को साइन नहीं करना, क्योंकि हम ही अलग रह गए हैं, बाकी सब लोग उससे जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान भी जुड़ चुका है। और उसके जो भविष्य में लाभ होंगे आज से 20 साल बाद 30 साल बाद, तब वो लाभ अगर हमको नहीं मिलेंगे तो हम कहीं और ज़्यादा पिछड़ तो नहीं जाएंगे, वो एक विवाद का विषय है। खैर जो भी है, लेकिन चाइना के अगर पांचों प्रोजेक्ट अगर सड़क वाले अगर सक्सेस हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो पड़ोसी हैं ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्योंकि अधिकांश चीज़ों जो फिल्ट्रेशन होता है या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या ब्लैक मनी का मसला है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है, उस सब का यही एक माध्यम है। और आतंकवादियों की जो फंडिंग है वो इसी माध्यम से ब्लैक मनी के रूप में आती है, और नकली नोटों का जो कारोबार है उसका भी सबसे बड़ा तरीका यही है। हथियारों का सीधा सीधा सप्लाई अगर आप देखें तो शायद पोर्ट का नाम है उदबुद्दीन पोर्ट करके है बांग्लादेश में, और कराची है, कराची पोर्ट से, कराची बंदरगाह से सीधा श्रीलंका को बाईपास करते हुए सीधा बांग्लादेश के पोर्ट पे पहुंचता है, और वहां से फिर वो हमारे नक्सली लोगों को हथियार सप्लाई होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है अवैध हथियारों का भारत में आना। पुरुलिया केस आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो नेट पे सर्च कीजिएगा, 94 का केस है, एक रशियन सिटीजन था तो उसने हथियार गिराए थे पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल में, एयरक्राफ्ट लेके आ गया था, यानी विदेशी एयरक्राफ्ट रशिया से लेकर इंडिया आ जाता है, वेस्ट बंगाल में आ जाता है और नक्सलियों को हथियार देके भी चला जाता है। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है, एक विदेशी एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नज़र में कैसे नहीं आया, बहुत बड़ा फेल्यूर है। तो हथियारों की सप्लाई हुई, ड्रग ट्रैफिकिंग हुई, पोरस बॉर्डर हुई, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और आपको बताया कि चाइना की रणनीति, ग्रैंड स्ट्रेटजी कह सकते हैं उसको, उसकी बहुत बड़ी रणनीति है भारत में अस्थिरता पैदा करने की, और उसके बहुत सारे हित हैं उसमें, और वो कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पर, भूटान के नज़दीक अरुणाचल में हमारा एयरफोर्स जो है वो लगा हुआ है। हम लोग थोड़ी सड़कें भी बना रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर सड़क निर्माण की बात जो मैंने बताई आपको, सड़क निर्माण की इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर ट्रैफिक आप नहीं कर पाते और एयरलिफ्ट भी नहीं कर पाते, लोगों को उतार भी नहीं पाते, लेकिन अगर सड़क के माध्यम से टैंक और गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट अगर भारी मात्रा में यदि आप करने लग गए तो आप सेना का जमावड़ा बहुत बड़ी मात्रा में कर पाते हैं, चाहे वो ITBP हो, चाहे BSF हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, उनको बड़ी मात्रा में आप भेज सकते हैं। ठीक चाइना ने इसी का यूज़ करके डोकलाम में वो किया, और अभी भी रिपोर्ट आई थी कि डोकलाम में जो कहा कि वो पीछे हट गए ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका कंस्ट्रक्शन जारी है और वो कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं और आगे बढ़ाए हैं, और भूटान जैसे देश को और उनको खतरा हो सकता है। और मैंने बताया आपको कि वो राजनीतिक उपनिवेश बनाने में उतना इंटरेस्ट, राजनीतिक कॉलोनी, पॉलिटिकल कॉलोनी के लिए अब ना तो अमेरिका इंटरेस्टेड है ना चाइना,
क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था, लॉ एंड ऑर्डर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, इतनी बड़ी जनसंख्या की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, उसके बजाय ओनली इकोनॉमिक फायदे उठाने के लिए कॉलोनाइजेशन होगा और हो रहा है। आफ्टर WTO के 95 के बाद में जब से WTO बना है, दुनिया में इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन हो रहा है, आर्थिक उपनिवेशीकरण हो रहा है और अब आर्थिक साम्राज्यवादी काम कर रहा है। और हम लोग इसका फायदा उठाने में, क्योंकि हम लोग डिफेंसिव रहे इस वजह से इसका फायदा उठाने में हम लोग नाकाम रहे। मुझे लगता है कि एक व्यू मिला होगा आपको इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कि भारत में आंतरिक सुरक्षा को खतरे किस प्रकार के खतरे हैं, और हम जितना हमारे यहाँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकल विल पावर होगी और लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फंडिंग की भी बहुत ज़रूरत होगी, तो देश को हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे, नहीं तो लंबे समय में जा कर के हम लोग नुकसान में होंगे। तो भारत में जितने टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं उनका एक नाम लिखिए, टेररिस्ट ग्रुप और अलगाववादियों के भी नाम लिखिए, और ऐसे ग्रुप का ओरिजिन कब हुआ है उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री लिखिए, और स्टेट वाइज जो है कुछ ब्यौरा दीजिए वहाँ की प्रमुख घटनाओं का, जो समय समय पर ऐसी घटनाएँ हुई जिनने देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुँचाया, और सरकार द्वारा किए गए प्रयास, कानूनी तौर पर किए गए प्रयास, यानी लेजिस्लेशन में क्या किया गया, इनेक्टमेंट कौन कौन सा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कौन कौन से गाइडलाइन जारी की, कौन कौन से डिसीजन दिए, कितने लोग जेलों में बंद है जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के भगोड़े, कितने हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी में नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है, ये सब भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। तो ऐसा करके एक अच्छा खासा निबंध जो है, तो इस महीने का निबंध भी आपको मैं देता हूँ, यही वाला, आंतरिक सुरक्षा और उसके खतरे और उससे निपटने के उपाय, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रक्चरल ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है हमारी कुछ, कि हमारे बहुत पड़ोसी देश हैं बहुत सारे, और वो उसको देते हुए आप लोग राजनीतिक और वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, उसकी वो क्या रहेगी, टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहेगा, एक वो बहुत बड़ा होगा कि हम साइंस एंड टेक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे इसरो का क्या रोल रहेगा वो यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स का और UID का कैसे रोल, एक्सप्लोसिव होते हैं उनका भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसमें कैसे वो रोल हो सकता है कि एक्सप्लोसिव्स को कैसे जो है हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी साइंस एंड टेक में जो हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जितनी भी तरह की साइंस टेक है, उन सब का आपको रोल जो है वो उसमें लिखना पड़ सकता है, और फिर परेशानी आ जाएगी आपकी जो आप एक नेशनल रजिस्टर की बात करते हैं, सिटीजनशिप की, कि नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए क्या हम सभी राज्यों में करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और कितने लोग जो है उससे रजिस्टर होंगे, फिर यहाँ के जो जेन्युइन लोग हैं उनका क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो बाहर नहीं जाएगा, उसको नहीं जाना पड़ेगा, ये बात कन्फर्म है। तो अब कौन भारतीय नागरिक नहीं है वो जो बाहर जाएंगे, तो वो सिद्ध करना है, तो दो तरह से सिद्ध करना है, एक तो जो नहीं है उनको सिद्ध करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो उनका अपना मैकेनिज्म है, वो भी करे बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ तो बनाया इतने सालों में, है ना। तो जो हम बात कर रहे थे पहले NRC की, लगभग लगभग वो मुद्दा भी इससे जुड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी से, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि क्या बाहर के लोगों को अपने यहाँ रख करके हम सिक्योर हो सकते हैं। अब हमारे घर के बाहर कोई आदमी खड़ा है मान लीजिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, और हम बहुत उदार व्यक्ति हैं, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ देते हैं उसको, कुछ खाने का दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं बाबा जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहो। कोई जवान आदमी है तो भी हम नहीं कहते कि चलो अंदर आ जाओ, अंदर बैठो, तुम्हारे पास घर नहीं है तुम हमारे साथ रहो। फिर अंदर वाले लोग विरोध करने लगेंगे कि आप हमारी सुरक्षा के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं, आप बाहरी व्यक्ति को यहाँ अंदर ले लिया। अब ये उदाहरण छोटा है, ये घर के लिए,
लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक बड़ा घर है, और चूंकि एक बहुत बड़ा घर है और अंदर पहले से जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, यही आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। इसलिए दुनिया भर में जहाँ शरणार्थी समस्या आती है, तो आप एक एंगल ये भी आएगा कि भारत में शरणार्थी समस्या, यानी कि जो हम रिफ्यूजी प्रॉब्लम की बात करते हैं, सीरिया की बात कर रहे थे, तमाम दूसरे देशों की बात कर रहे थे, भारत में भी रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, और वो रिफ्यूजी जो हैं वो उनको शरणार्थी शिविरों में भी रखा जाए तो बॉर्डर के अंदर तो रखेंगे। अब शरणार्थी शिविर से कब मजदूरी करने के लिए वो काम करने चला गया। अच्छा, फिर यहाँ समस्या आ रही है, एक और कम्युनल एंगल भी देखना पड़ेगा आपको कि जो इंसर्जेंसी है, जो घुसपैठ है और जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, उसमें कम्युनल एंगल क्यों है, यानी सांप्रदायिक एंगल क्यों दिखाई दे रहा है, वो सब मुसलमान ही क्यों है, और मुसलमान ही फिर आतंकवादी क्यों है, और उन्हीं के लिए झगड़ा क्यों है। क्या इस तरह से यदि कोई हिंदू प्रवेश कर गया तो क्या हम उसको भी बाहर निकालेंगे? तो है भी सही, पाकिस्तान के हिंदुओं को हम नागरिकता नहीं दे पा रहे। दिल्ली में बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो आ गए हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, हमने अभी तक नागरिकता नहीं दी उनको, उनका भी मसला है। और आसाम की समस्या मुसलमानों वाली ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश से जो आए और रोहिंग्या जो आए म्यांमार से, वो मुसलमान है। इसलिए हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कम्युनल एंगल है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि बीजेपी आती है तो वो थोड़ा मुसलमानों को टारगेट करती है और हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट रहने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हिंदुओं को दिया नहीं उन्होंने, पाकिस्तान से जो हिंदू है उनको दिया जाना चाहिए था अगर ऐसा है तो। फिर भी उस पर आरोप लगता है, और कांग्रेस के लिए रहता है, ममता बनर्जी के लिए लगता है कि ये सॉफ्ट रखते हैं नज़रिया मुसलमानों के प्रति, क्योंकि वोट बैंक मानते हैं। तो एक वोट बैंक भी, राजनीति भी, यानी आंतरिक सुरक्षा और राजनीति, एक तो एक एंगल ये आएगा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लोकल पॉलिटिक्स, या नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल और लोकल पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी को लोकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉर्डर पे हैं और वेस्ट बंगाल में है और रीजनल पॉलिटिक्स में है, इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स में तो उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स लिख सकते हैं, इंसर्जेंसी या प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी एंड रीजनल पॉलिटिक्स। तो क्या वोट बैंक के लिए जो है आंतरिक सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है, केवल वोट प्राप्त करने के लिए कि हम आपको नागरिकता देंगे, आप हमको वोट देना? तो अभी तो एंगल यही जा रहा था, अभी तो जो बयान आया कि नहीं, इनका आप निकाल नहीं सकते, अगर आपने आसाम से निकाला तो इनको वेस्ट बंगाल में स्वागत है, तो क्या वेस्ट बंगाल इंडिया नहीं है? बात समझ में आई ना, वो भी तो इंडिया है, यानी वो रहेंगे तो इंडिया में ही ना, तो 40 लाख लोगों को हम लोग लेंगे तो उसमें वोट बैंक बहुत बड़ा दिखाई देता, 40 लाख वोटर आ गए ना फिर एक साथ। अच्छा, बीजेपी कह रही कि नहीं, इनको वापस जाना पड़ेगा, जैसा अमित शाह ने बयान दिया था, किसको वापस जाना पड़ेगा इन 40 लाख लोगों को, हम रखेंगे नहीं, इसका मतलब वो बीजेपी को वोट देने नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम रखेंगे नहीं, वो बोल रहे हैं इधर आ जाओ हम रखेंगे, तो सीधा सीधा वोट बैंक वाला अब हो गया। और एक बार पंगा ले लिया और अब फिक्स हो गया तो डिटरमाइन हो गया, एक तरह का डिटरमिनेशन हो गया ना, एक तरह का निर्धारण हो गया, तो अब तो थोड़ा प्रेस्टीज पॉइंट भी बन गया सबके लिए, तो अब उसके ऊपर काम होगा और ये बात आगे जाएगी, अब रुकेगी नहीं। अब वो बोल रहे हैं हम पूरे भारत में एनआरसी लागू करेंगे, और आप और हम सबको भी डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, हमको भी फिर से सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा यहीं रहते थे, पिछले 50-60 साल से हम यहीं पे हैं, हमारे लिए 71 का नहीं, हमको तो 1947 में ही सिद्ध करना पड़ेगा। जुलाई 1948 में एक आप नागरिकता पढ़ाएंगे हम आपको, 6 से 11 आर्टिकल, 5 से 11 बताएंगे उसमें सिटीजनशिप एक्ट क्या है, हमारा नागरिकता अधिनियम क्या है 1955 का, और उससे पहले जो निर्धारित हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बात की थी वो 1948 की बात की थी, और ये क्यों की थी, तो जो माइग्रेटेड लोग हैं वो कब तक आ सकते थे और भारतीय नागरिक कैसे होंगे, ये 71 का है। तो जाकर के राज्यसभा का एक कार्यक्रम है विशेष, उसमें एनआरसी के मुद्दे पे एक 15-20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखिएगा, तो एनआरसी वहाँ क्लियर होगा। आंतरिक सुरक्षा के ऊपर भी कई बार प्रोग्राम आते हैं, टीवी के डिबेट वगैरह सुनिए, अच्छे एक्सपर्ट लोग जो है स्टडी करते हैं, मुझे लगता है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, पहले कभी नोट्स वोट्स होंगे उनके पास तो वो वहाँ चिपका देते हैं, अच्छी चीज़ है।
तो वहां से सुनने लायक है, देखने लायक है, उसको सुनिए एक दो बार तीन बार सुनिए उसको। ये भी तैयारी करने का एक तरीका हो सकता है। चलिए आज यही बात करेंगे, कल गांधी को शुरू करेंगे और आगे की बात करेंगे। शांति पाठ।